नमस्ते फूडीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल की बर्फ़ी, या फिर जिसको खोपरा पाक भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मावा लिया है, फ्रोज़न मावा लिया है, और इसको मैंने अच्छे से कीस लिया है कद्दूकस से। और कीसने के बाद ये मावा लगभग 1.5 कप है। अब मैंने यहाँ पे फ्रेश नारियल लिया है, ये लगभग 1 नारियल है, और मैं इसको एक चॉपर में ऐसे ग्राइंड कर लूँगी। हमको इसका एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, पर इसका एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। आप चाहें तो इसका ये ब्राउन छिलका उतार सकते हैं, तो आपका खोपरा पाक एकदम वाइट बनेगा। और आप चाहे तो ये फ्रेश नारियल की जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें एकदम तैयार हैं। तो मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई लिया है, और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है। इसमें मैंने ये इलायची पिसी हुई डाल दी है। अब जैसे ही घी और इलायची थोड़ा सा गर्म होगी, तो मैं इसमें नारियल जो हमने पीसा है वो डाल देंगे। और ये हमारा जो ग्राइंड हुआ है एक नारियल पूरा, वो 3 कप जितना है, लगभग 3 कप है। तो ये अब मैं इसको 3-4 मिनट अच्छे से भून लूंगी। अभी थोड़ा सा लाइट हो गया है वेट में। अभी यहाँ पे मैंने मावा डाल दिया है, हमने कीसा था। अब ये भी अच्छे से भुन जाएगा। दोनों चीज़ों को जैसे ही हम भून लेंगे कढ़ाई में अच्छे से, तो इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये मावे वाली मिठाई है, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगी, पर अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 1 वीक तक चल जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध डाल दिया है, और दूध आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे हम हलवे में दूध कम ज़्यादा डाल सकते हैं, गाजर के हलवे में हमको उतना देर तक पकाना पड़ेगा, पर वो बाद में मावा ही बन जाएगा दूध का भी, तो स्वाद बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप नारियल का जो चूरा है उसका मात्रा कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और मावे को भी आप इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शुगर डाल दिया है, मैंने 1 कप शुगर डाला है, ब्राउन शुगर लिया है मैंने। आप चाहें तो वाइट शुगर ले लें, और आप आपकी इच्छा के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मीठा भी बना सकते हैं। अब ये गाढ़ा होने लगा है हमारा मिश्रण, तो इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। मैंने ये एक थाली ग्रीस करके रखी है घी से, और थोड़ा ठंडा होने लगा था तब ये मैंने इसको 20 मिनट ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे थाली में सेट करने के लिए, बर्फ़ी जमाने के लिए मैं इसको डाल दिया है। इसको
इसको अच्छे से लेवल कर लेंगे। अब मैं इस पे ये पिस्ता डाल दूंगी। ये पिस्ता को मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था और उसके बाद इसके जो थोड़े छिलके थे वो उतार दिए और इसके फ्लेक्स निकाल दिए, पिस्ता के फ्लेक्स कट कर लिए और मैं इसको इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि उसमें अंदर चले जाएं, चिपक जाएं, बिखरे नहीं। अभी तैयार हो गया है। अभी फिर से मैं इसको 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही रहने दूंगी और उसके बाद मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। तो आफ्टर 20 मिनट्स मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। आप चाहे कैसे भी शेप काटें, डायमंड शेप या फिर स्क्वायर शेप, जैसा भी आपको पसंद है वो आप कट कर सकते हैं। ये बर्फ़ी एकदम कड़क नहीं होती है। नारियल हमेशा इंडिया में सात्विक माना जाता है, तो आप इसको कभी भी पूजा प्रसंग, प्रसाद, उपवास, तीज त्यौहार में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।